और ऐसे भी कितने नाम है अल्लाह ताला के जो किसी को पता ही नहीं आज तक, अल्लाह ने अपने पास ही रखी है। कि अगर आपने दुआ मांगनी है और दुआ में अल्लाह ताला के नामों से आप अगर पुकारेंगे तो आपकी चांस ज्यादा है कि आपकी दुआ कबूल हो। इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर खुद फरमाते हैं दुआ के अंदर, اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك, अल्लाह मैं तेरे हर नाम से सवाल करता हूँ, سميت به نفسك, अल्लाह वो नाम जो नाम तूने अपना खुद रखा, औ انزلته في كتابك, या अल्लाह वो नाम जो तूने अपनी किताब में नाजिल किया, या फिर अल्लाह वो नाम علمته احد من خلقك, तूने अपनी मखलूक में से किसी को अगर कोई नाम सिखाया है ना स्पेशल, अल्लाह उस नाम से भी पुकारता हूँ। आप हिर्स देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ना कोई इसके अंदर बात है ना अल्लाह के नामों के अंदर, वरना इतना इंफेसिस क्यों है, या अल्लाह वो नाम जो तूने खुद रखा, या अल्लाह वो नाम जो तूने किताबों में नाजिल किया, या अल्लाह या वो नाम जो तूने किसी बंदे को सिखाया, या फिर ये तो लेवल हो जाएगा, या अल्लाह वो नाम, औ इस्तफरत बिही फी इल्म अल-गैब इंदक, या अल्लाह वो नाम जो तूने गैब में अपने पास छुपा लिया। और ऐसे भी कितने नाम है अल्लाह ताला के जो किसी को पता ही नहीं आज तक, अल्लाह ने अपने पास ही रखी है। तू इहाता नहीं कर सकता अल्लाह के इल्म का, 99 तुम्हें बताए हैं, ऐसे भी नाम है जो अल्लाह ने अपने पास रखी है। अल्लाह मैं उससे भी सवाल करता हूँ, क्या सवाल करता हूँ, अंत जाल कुरान रबिया, या अल्लाह इस कुरान को मेरे दिल की बहार बना, अल्लाह मेरे गमों को मेरी परेशानियों को इस कुरान से दूर कर। ये अल्लाह ताला के नामों से पुकारना जो है बड़ी एक साइंस है। कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं ज़ैफा भाई आप फलां जगह पे जाएं, मेरा नाम ले लीजिए, काम हो जाएगा आपका। ज़ैफा भाई कहते हैं आप अदील भाई का नाम ले लेंगे, काम हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह ने भी दुनिया में हमें भेजा है, अल्लाह ने कहा जाओ 99 नाम है, नाम ले लेना, मौके महल के मुनासिब के साथ नाम ले लेना। मैं नामों का मतलब ही नहीं, ये नाम तुम्हें कहां पर बचाएगा तुम्हें यही नहीं पता, यू हैव द ट्रम्प कार्ड, ये नाम तुम्हें कब कहां लेना है, दैट इज द इल्म, यही तो इल्म है।